ambitious scheme of agri-clinics and agri-business centers jointly implemented by Government of India, MANAGE, SFAC and NABARD has three important objectives. To supplement public extension, to provide multiple and specialized extension services, to provide self-employment opportunities to unemployed agricultural graduates. Agri-clinic aims at providing information and advice while agribusiness centers provide input and specialized services. The program was launched by Honorable Union Agriculture Minister Sri Ajit Singhji on April the 9th, 2002 at Jaipur. The response from the agriculture graduates was overwhelming, that is, more than 13,500 applications were received. Let me emphasize, this morning in MANAGE meeting also we discussed how we can improve this program, how we can help you more, and many suggestions were that we should have a network, we should tie each agro-clinic should be tied up with the KVKs, with the Atmas, with the universities, with the department, increase productivity to make a small farmer a businessman. I'm looking up to you guys, really. In fact, the whole agriculture department, we are all looking up to you. First cycle of training programs was completed in 12 states, 26 organizations covering 618 agripreneurs. Hand-holding mechanism is effectively extended by MANAGE through training institutes. First national-level interface of successful agripreneurs, organized at MANAGE on 8th and 9th September 2002, brought all the 70 agripreneurs together who started agripreneurial activity in different parts of the country. After the training, success stories are sure to ignite the minds of potential agripreneurs. Namaskar, mere saath aaj do log baithe hue hain. Ek to hamare trainer hain jo ki Krishna Valley Foundation Maharashtra se hamare saath hain. और दूसरे उनके ट्रेनी हैं जिन्होंने अभी भी हाल में अपना एग्री क्लिनिक का कार्य शुरू किया है. तो पहले मैं अरविंद जी से इनके बारे में पूछूंगा, इनके संस्थान के बारे में कि ये कैसे कैसे इस ट्रेनिंग से संबंध हुए. तो मेरा नाम अरविंद मोरे, मैं सोलापुर का हूँ. कृष्णा वैली एडवांस एग्रीकल्चर फाउंडेशन ने मेरे को ये चांस संधि दिया कोऑर्डिनेट करने का प्रोजेक्ट्स एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस. और दो महीने से 10 अगस्त तक मैंने 2 महीने का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया और उसमें मैनेज का मुझे बहुत सहायता मिली. डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उन्होंने गाइडेंस एंड सजेशन दिया. उनके मुताबिक मैनेज का जो सिलेबस था वो सिलेबस के मुताबिक हमें कोर्स अच्छी तरह हमारे सेटिस्फेक्शन से किया. अभी इसके बारे में आप स्टूडेंट्स से लाए तो आपको ये समझ पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया. नहीं, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे. हाँ, मेरा नाम विनायक कुंभार है. मेरा प्रॉपर विलेज सांगली. मेरा एज 28 इयर्स. मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी एग्रीकल्चर एमबीए. मेरे घर में मेरे माताजी वो टीचर है, मेरे पिताजी टीचर प्रोफेसर थे, वो गुजर गए. मेरा एक भाई है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है. मेरी बहन की शादी हो गई है. और कितना आपका एजुकेशन कितना है? मेरा एमएससी एग्री एमबी. कहाँ से किया आप एमएससी जी? एमएससी जी मैंने महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी से किया है और एमबी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. तो ट्रेनिंग आपका कब समाप्त हुआ ये वाला एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का? ये एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का ट्रेनिंग मेरा 10 जून से 10 अगस्त तक था सांगली में. ट्रेनिंग कैसा लगा आपको? क्या क्या चीज़ ट्रेनिंग के बारे में अच्छा था, क्या क्या चीज़ आपको लगा कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था? ट्रेनिंग में हमारे जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसमें बहुत अच्छा हमें ट्रेनिंग मिला. और उसके बाद जो प्रैक्टिकल विजिट्स वगैरह था उसमें बहुत हमें अच्छा गाइडेंस मिला. प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हमें हमारा विजिट्स हो गया, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो कैसे बिजनेस करने का है, कैसे उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह कैसे करने का है, वो भी हमें अच्छा गाइडेंस मिला. तो अभी आप कौन सा एग्री क्लिनिक में अपना वेंचर शुरू करने वाले हैं, उसमें क्या क्या सर्विसेज देंगे या क्या क्या प्रोडक्ट्स किसान को मुहैया कराएंगे? एक्चुअली मैं जब जॉब गोदरेज में मैंने 4 साल जॉब किया, उसके पे ये ट्रेनिंग करने के पहले मैंने एक बीके एग्रो सेल्स एंड सर्विसेज करके एक फॉर्म चालू किया था. उसमें इटालियन पावर टिलर, ये जो फ्रॉम इटली से हम
मंगाते थे वो सांगली डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें मेरा डीलरशिप था, उसके साथ साथ फॉगिंग मशीन्स और प्रोबायोटिक एनिमल फीड उसका डीलरशिप है। और ये ट्रेनिंग होने के बाद मुझे एक नई डायरेक्शन मिली कि उसके साथ साथ मैं किसान लोगों को थोड़ा सा मुझे कंसल्टेंसी देने का चांस हुआ तो एक बेहतर रहेगा। इसके साथ उनको जो एग्रीकल्चर में जो जो नई नई रिवोल्यूशन है, जो नए एग्रीकल्चर में जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, वो सब उनके साथ में इंफॉर्मेशन उनको दे सकता हूँ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको जो थोड़ा बहुत बैंक से या सरकारी संस्थानों से कुछ सहायता या कुछ प्रॉब्लम आई, या किस तरह से उनके साथ आपका चल रहा है? हाँ, एक्चुअली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जब चल रहा था उसी टाइम हमारे इंस्टीट्यूशन ने जो वहाँ के नाबार्ड के जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है मिस्टर लेले साहब, उनसे बातचीत करवाया था। उनको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें उस डिस्कशन में हमें थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है, जो हमें 10 लाख तक हमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो इंटरेस्ट देने वाले हैं उसमें एक्चुअली क्लियर कट हमें नहीं मालूम हुआ कि वो कितना परसेंटेज में हमें देने वाले हैं लोन। और उसके साथ साथ जो DCC बैंक्स वगैरह वहाँ के जो है रहते हैं वो लोगों के साथ भी हमारा बातचीत हुआ, उन्होंने भी अच्छी तरह गाइडेंस किया। तो फिर आप ये बताइए कि आगे कुछ सहायता की आपको जरूरत पड़ेगी मैनेज से या इनके ट्रेनिंग संस्थान से, कहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैनेज का कुछ हेल्प हो सकता है या सरकार, भारत सरकार आपका कुछ सहायता कर सकती है? एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो लोगों को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अपने भारत में बहुत से लोग हैं, उनको ये सब प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह जानकारी उनके तक पहुँचना चाहिए कि ऐसे जो कैंडिडेट्स आगे आएंगे और वो उनको अच्छी तरह बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बेहतर है। माय नेम इज शेखर करपे, आई एम 47 इयर्स ओल्ड, आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ पुणे ऑन 20th June. आई हैव डन माय BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दापोली। आई हैव अ एल्डर ब्रदर हु इज इन स्टेट्स, माय वाइफ इज अ पैथोलॉजिस्ट एंड माय सन इज डूइंग माइक्रोबायोलॉजी। वी हैड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स इन दिस ट्रेनिंग कोर्स, बट इफ यू हैव मोर लेक्चर्स ऑन दैट, that will be okay. Otherwise the course is nice, professors were good, faculty was good, we enjoyed the training, we learned lot about finance management. I've started my consultancy in organic farming and I've started agro ecotourism center at Nagaon Alipak. For organic farming we are getting a good response. For ecotourism, we are getting a good response from city crowd. The place is not commercialized, first thing. Then we have all eco-friendly structures. We have cow dung flooring. Every alternate day we do cleaning, the flooring process. Then we put rangoli. It's a traditional system we are following. We have not put tiles on it. Then we have a Mangalore tiles on the roof. So it's something different, it's not commercialized. I get customers from Bombay, Pune, those who feel like staying in a village. Sometimes I do get foreigners, I get sannyasis from Ganeshpuri ashram. They come there for meditation. Actually, I got a good response from Bank of India. I'm little disappointed with NABARD people because whatever they have committed in personal meetings, they're not following it up. I'm trying to expand in agro-ecotourism, then consultancy in organic farming, and likely to start production of micronutrients and microorganisms. हम अभी आपसे एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे आप, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह? सर, आई एम योगेश सोनवणे, आई एम फ्रॉम शिरपुर डिस्ट्रिक्ट धुए, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय MSc इन सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी, एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड,
and my parents both are teacher in Shirpur. That is my background. Good, thank you very much. When did you complete your training and from where? I have completed my training at Krishna Valley Agricultural Advanced Foundation, Sangli. And that training was started at 10th of June and it was completed on 10th of August. How do you think your training was? What is your opinion about the training? Training actually helped me to boost up my confidence because before I have joined this training, I am totally engaged in preparation of competitive exams, and but after receiving the letter from manage, my field is totally changed now, and I have become confident about to set up my own enterprise after this training. What type of enterprise you are starting? Though I have completed my MSc in plant pathology, so my emphasis on I am focused to establish my crop protection unit. So that pathology and entomology, these both subjects are related, and main problem is the language problem, because whatever education I got up to this level, it is totally in English, and the local farmer, they know only the local terms. For example, they called aphids, we learn about aphid jacids, they called it to mawa, that's all. So my emphasis is to provide them visual aids so that the barrier can remove, and then I will suggest them appropriate solution on that particular pest or disease. Yogeshji, but as you are working in Maharashtra area, yes, so knowing the local language I think will be absolutely essential. I am trying to learn this thing, sir. Good. So now, what do you think has been the response from the support institutions, like say bank, government institutions, or say manage and your training organization? How is your opinion about their services to you? Sir, up till now I have no any problem about this institution or bank, but whatever when I got some problem, I will take help from institution, manage and Indian government. So when we can see that your work is in action? Shortly, sir. Shortly? Yes. Thank you very much. Wish you all the best. My name is Rangrao Pawar. I am from village Daivat, Taluka Chalisgaon, district Jalgaon. I am agriculture graduate. I passed my graduation in 1971 from Dulia College. My age is 53 years. I served Bank of India as a special assistant for 28 years. I took my voluntary retirement in December 2000. Thereafter, I decided to stay over at Pimpalgaon, which is in Nasik district. The area is known for grape growing and sugarcane, tomato, vegetable crops are being grown. That's why I find it suitable to stay at Pimpalgaon. To my knowledge and observations, I find that people in the area, they are using chemical fertilizers haphazardly. Tons of chemical fertilizers were used by every agriculturist. But now, as per the demand of the time, people in the area are so adaptive that they have started not using that chemical fertilizer. They are shifting on organic. The only thing is that they want a little guidance for organic farming. That's why, by joining this course, I thought I'll be getting more knowledge regarding organic farming. Mine is a nuclear family. I have one son and one daughter. My daughter is married. My son is an engineering graduate. He is studying at Pune. Now, for the remaining period of my life, I want to stay at Pimpalgaon and cooperate the farmers, to work with the farmers, and I'll be satisfied if I could turn 10 agriculturists for agricultural farming, organic farming. That will be my aim in future. I have not started any agri venture, but when I'll be starting it, I'll be starting it soon. But when I'll be starting it, it will be with the organic farming only.
आप अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी हमको देंगे? मेरा नाम विलास इंद्रजीत भोसले, मैं पंढरपुर डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं MSc एग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से किया हूँ। मैं अभी 28 ईयर्स का हूँ और अभी मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है महाराष्ट्र स्टेट में। मेरी माता हाउसवाइफ है और एक ब्रदर भाई जो है वो अभी पढ़ रहा है। आपने ट्रेनिंग कहाँ से कंप्लीट की और कब से कब तक ये ट्रेनिंग चली? ट्रेनिंग प्रोग्राम कृष्णा वैली एडवांस्ड एग्रो फाउंडेशन सांगली महाराष्ट्र से 10th अगस्त को ख़त्म हुआ है। इस ट्रेनिंग के बारे में आपकी कैसी राय है? क्या क्या सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगे और किन किन सब्जेक्ट में आपको लगा कि थोड़ी कहीं और अच्छा करने की गुंजाइश है? ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा रहा, लेकिन प्रैक्टिकल जो है जो वो थोड़ा स्पेसिफिक नहीं थे और जो मैनेजमेंट और कंप्यूटर का ट्रेनिंग अच्छा रहा और टूर्स जो है स्पेसिफिक टूर्स अरेंज करना पड़ता है। अपना एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर आप कहाँ शुरू करने वाले हैं और क्या क्या सेवा आप किसानों को उपलब्ध कराएंगे? एग्रो सर्विसेज में कंसल्टेंसी बिजनेस, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एरिया बढ़ रहा है, ग्रेप्स पोमोग्रेनेट और उधर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है और सम सॉर्ट ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन यूनिट चालू करना चाहते हैं। अभी आपने चालू किया है कि करेंगे? नहीं, अभी वो सर्वे कर रहे हैं उधर एरिया का, क्या हो सकता है देखना। और इसको आपका जो ड्रिप का है, हॉर्टिकल्चर का है, इस एरिया का जो काम शुरू करने वाले हैं, इसमें बैंक से या और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से आपको कुछ सहायता की जरूरत आपको ऐसा लगता है पड़ेगी? हाँ, जरूर पड़ेगी। लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि वो बैंक इंटरेस्ट रेट है जो थोड़ा कम हो तो अच्छा रहेगा। तो आप अपने बारे में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस प्रोग्राम को चला लेंगे? हाँ, जरूर चला लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम चाहते हैं हमारे आपका कार्यक्रम सफल हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका स्वागत है। एग्री क्लीन एग्री बिजनेस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विद्यार्थी नाते इधर हमारे इधर स्वागत है। और जो आपका ये है जानकारी, क्या है, कौन से फैमिली से, किधर है, क्या है? मेरा नाम संतोष वसंतराव दाराड़े है, मैं विलेज बालगांव से हूँ, तालुका बार्शी डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा पिताजी खेती करते हैं और माताजी टीचर हैं, मैं खुद खेती करता हूँ। एग्री क्लीन एग्री कोर्स के बारे में ये कैसे आपको मालूम हो गया? मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड पढ़ ली थी, उससे मालूम हुआ। और ये जो हमारा कोर्स हो गया है 2 मंथ्स का, ये दो महीने के कोर्स में आपने क्या क्या सीखा और क्या एक्सपीरियंस मिल गया? 2 महीने के कोर्स में मैंने एक्चुअली बिजनेस क्या होता है और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होकर भी मैं बिजनेस में अच्छा कर सकता हूँ और मुझे एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अब खुद अपने पैरों पर खड़ा रह सकता हूँ बिजनेस करके। क्या एक कोर्स खत्म मुझे कंप्लीट होने के बाद आपने कुछ शुरू किया क्या किसानों के लिए ऐसा कुछ? कोर्स होने के बाद मैंने खुद का मार्केटिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया शुरू किया है। और बैंक में ऐसा कुछ प्रपोजल भेज दिए क्या आपने, ऐसा कुछ किया है क्या? हम और उसमें कुछ दिक्कत या कुछ डिफिकल्टी आई क्या आपको? हाँ, मैं बैंक के पास गया था, लेकिन बैंक वाले जब मैं कोर्स होने के बाद बैंक के वाले के कॉन्टेक्ट किया मैंने, तो बैंक वाले बोलने लगे कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं क्या, आपका इधर कनेक्शन अच्छा है क्या? और बैंक वाले इतना बोलते कि मॉर्टगेज देने के लिए लैंड है क्या, और दूसरा कि 2 गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी सर्टिफिकेट देके आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अगर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास लैंड होता, मॉर्टगेज देने के लिए लैंड होता, सर्विसमैन होता, तो मैं ये इतना प्रॉफिटेबल कोर्स नहीं हो सकता क्योंकि इतना मैं नहीं दे सकता हूँ। नहीं, इंस्टीट्यूशन का यानी कि हमारे से तरफ से कुछ आपको सहकार्य मांगता है कुछ इसमें? हाँ, मैं वही चाहता हूँ इंस्टीट्यूशन के से कि मुझे बैंक फाइनेंस में जो प्रॉब्लम आता है कि वो मॉर्टगेज मांगता है, बैंक डिपॉजिट मांगता है, वो इतना नहीं चाहिए। और ये जो कोर्स हुआ आपने बताया, लेकिन आपकी क्या राय है इस कोर्स के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं कोर्स के बारे में?
कोर्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्रो सर्विस सेंटर के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, ये लाइसेंस खाली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ही मिले, इससे बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो कोर्स आपने बताया कि हमने 2 महीने का कोर्स लिया है, इससे बेनिफिट आपने क्या मिला है? क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एक्चुअली एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी परफेक्ट है और वो फार्मर्स को मिसगाइड नहीं करेंगे। और ये कोर्स आपने जो हुआ और उसका फ्यूचर यानी कि अपना क्या है प्लानिंग, अपने क्या करने वाले? मैं मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट इन रूरल एरिया करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फार्मर्स को मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा, मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और टेक्निकल गाइडेंस फार्मर्स को कंसल्टेंसी करूंगा। तो अपने जो आपके जो राय दिए है अपने ये कोर्स के बारे में, और जरूरत इंस्टीट्यूशन और मैनेज आपकी सहायता में रहेंगे और ये देश में अपना हरित क्रांति यानी किसान की अच्छी से अच्छी सेवा करने में आपकी सहायता सबसे हम करके अच्छा तरह करेंगे। मैं राजेश मधुकर मेतकर, आई एम 29 ईयर्स ऑफ एज, आई एम फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट देवड़ा, आई हैव डन माय एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन फ्रॉम धुड़ा कॉलेज एंड आफ्टरवर्ड्स आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन शुगर कैन डेवलपमेंट कोर्स एट वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट मांजरे। आई सर्व फॉर 5 ईयर्स एज इंचार्ज कैन डेवलपमेंट ऑफिसर इन वसुंधरा शुगर फैक्ट्री एट नासिक। देन आफ्टरवर्ड्स आई लेफ्ट द जॉब एंड एज सून एज आई सॉ द अपॉर्चुनिटी I managed, I applied for it and I did my Agri Clinic and Agri Business Center course of 2 months which started on 8th of April to 8th of June at Vasan Vikas Pratishthan, Sangli. I belong to agriculture community. My father was government contractor. I am having 3 brothers. I am the youngest one. I am having 2 sisters who are married. My brothers are in business. I also had a desire to join business. So after serving for 5 years, I left the job and to start my business, I have joined this course. And after completing the course, I am having, I am being motivated to join the business full-heartedly. At present, I have applied for loan for greenhouse, which is in election stage, and also I am expecting to, my future plan is to start agro input center at my place, and also I am interested in information technology kiosk to be started very soon in my location. I expect that the loan which banks should provide, they should not consider agriculture graduate as other people who are deceiving the banks or thing. Most bankers don't even have time to see our proposals. There should be some circular or any type of letter to be given to the persons who are completing the course, and they should be circulated to each and every bank so that they should give preference to the agriculture graduate to start their own business or enterprise. Of course, I've started a greenhouse which is in erection stage, but due to the lack of finance, I can't have that speed. The bank manager seems to not, he don't have time to see my proposal. He's saying after 2-3 months we will see, after 2-3 months you will see. Now, according to this, I almost spent my 6 months. NGOs. Actually, they should, NGOs should initiate such programs. If banks are not supporting, and also the rate of interest should also be reduced. It should be as far as 7-8%. Because if anybody takes 10 lakh rupees loan, within 1 year he has to pay 2 lakh rupees as a rate of interest. So how much should he earn to pay that 2 lakh rupees? It is a big question. My future plans are to start agro input center at my place and internet kiosk. आप अपने बारे में अपना परिचय हमको देंगे? मेरा नाम विजय गणपति जाधव है, मैं सांगली से हूँ। मेरा एजुकेशन बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम पूना कॉलेज से किया है। अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी? मेरे परिवार में मेरे फादर एक सर्विस मैन थे, मिलिट्री में थे, और ब्रदर एक बड़े भाई है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया और कब लिया?
मैंने ट्रेनिंग कृष्णा वैली एडवांस एग्रो फाउंडेशन सांगली से लिया है। ये ट्रेनिंग 10 जून से 10 अगस्त तक था। इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छा लगा और क्या क्या चीज़ें आपको लगा कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है? इस ट्रेनिंग में वैसे सब ठीक ठाक था, बहुत अच्छा वहाँ पर कोऑर्डिनेशन मिला है, लॉजिंग बोर्डिंग के सब अच्छा ही था वहाँ पर। इस ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए और इस ट्रेनिंग में कंपलसरी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को ही लेना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर वालों को वहाँ पर घुसना नहीं देना चाहिए, सबसे पहली बात यही है वहाँ पर। ये ट्रेनिंग के बाद में आप किस तरह का एग्री वेंचर शुरू करने वाले हैं या कर दिए हैं? मैं अपने गाँव में शुरू करने वाला हूँ द्वारका एग्रो सर्विसेज, मैं रेजिन प्रोडक्शन और वहाँ का मार्केटिंग करने वाला हूँ। आपको कैसा लग रहा है कि बैंक्स हैं या सरकारी संस्थान हैं या गैर सरकारी संस्थान हैं, उनसे आपको किस तरह की सहायता की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपके लिंकेज उनकी वजह से हो सकते हैं? वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है, इसलिए सब नेशनल बैंक मेरे ख्याल से सब कोऑपरेटिव करेंगे हमें वहाँ पर, और हम वहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और उनसे बातचीत कर कर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा आपको है कि आपका सफल होगा? इस ट्रेनिंग में आकर मुझे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया है, कैपेसिटी बढ़ गई है वहाँ की, एबिलिटी थोड़ी सी आ गई है ज़्यादा, और मैंने यहाँ पर अपनी एक संस्था निकाली है ट्रेनिंग एजुकेशन एग्रीक्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के दरमियान, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था मैंने बनाई है वहाँ पर 12 स्टूडेंट जो हमारे हैं एग्रीकल्चर के, उनकी सहायता से, और हम ऑल ओवर पूरा महाराष्ट्र यहाँ पर कवर करने वाले हैं एज ए सोशल वर्क, और वहाँ से हमें भी कुछ तो फ़ायदा होना मांगता है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट है, और इसलिए हमें वहाँ पर, मैं आज इस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमें इस संस्था के लिए थोड़ी मदद करें, क्योंकि हमें यहाँ पर अंडरटेक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू फार्मर, फार्मर टू फार्मर हम गांव टू गांव कांटेक्ट करने वाले हैं वहाँ पर, इसलिए हमें उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें इस मैनेज को जैसे सहायता किए हमें मैनेज ने, उसी तरह हमें सहायता मिले। देखिए, हम आपकी बात सब जगह पहुँचाएंगे और आपका साथ हमारा शुभकामनाएँ हैं, और मैनेज आपके साथ सीधा अच्छा तरह से काम करेगा और आपका ये सफल हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णराव माधुराव भोरे, मैं रहने वाला यवतमाल जिला का विदर्भ का हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं शासकीय खाते में मेरे 37 साल की सेवा हो गई एक्सटेंशन विभाग में, और मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर करके यवतमाल से रिटायर हो गया हूँ। मैं बीएससी एग्रीकल्चर होते ही मेरे को सर्विस लग गई, उसके बाद में मेरे को डिपार्टमेंट में 20-25 प्रकार के ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, और डिपार्टमेंट में ऑल सेक्शन में मैंने काम किया। मेरे फैमिली लाइफ के बारे में अगर आप पूछते होंगे तो मेरा एक बड़ा, दो लड़के हैं और एक लड़की है, मेरे को घर से कुछ बोल रहा नहीं। मैं रिटायर होने के बाद में मेरा जो एग्रोटेक करके मेरा जो कंसल्टेंसी का काम मैंने शुरू किया, वही टाइम पे अपनी जो एग्रो क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस की एडवर्टाइज पढ़ने में आई, और मैंने ये कहा ऐसे एग्री क्लिनिक वाले बिजनेस वाले लोगों की कुछ चेन होना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज जो एग्रीकल्चर में वो मिलना चाहिए, और अगर ऐसा रहा तो अपन काश्तकारों का बिगर यानी विष मुक्त अनाज पैदा कर सकते, भाजीपाला पैदा कर सकते, और भारतीय जीवन विष मुक्त कर सकने का थोड़ा सा प्रयास कर सकेंगे ऐसे दृष्टि से वो ट्रेनिंग में मैं ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होते ही वो 2 महीने का ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग अच्छा था, फार्मर के तरफ से इतने अच्छे रिस्पॉन्स है, तो हमको मैं सिर्फ रिटायर होने के पहले जब सर्विस में था ज़्यादा से ज़्यादा घर रहता था, दौरे कम रहते थे, अब मैं सिर्फ शनिवार रविवार घर को मिलता, बाकी के दिन मेरे को दौरे पे जाना पड़ता। अभी मैं सूरत में, एमपी में और महाराष्ट्र में ये सब तरफ मैं इसके लिए जा रहा हूँ। हाँ, यह हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर पीएन राउत करके, उन्होंने बहुत सहकार्य दिया, हमारे यहाँ के एसओ जो है बड़ी साहब है,
अमरावती के, वो भी बहुत बहुत सहकार्य दे रहे हैं। यवतमाल के देवरी का साहब है, वो भी बहुत सहकार्य देके हमको सहयोग कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी 3 तारीख को मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दस्तूर नगर शाखा अमरावती को दिया। वहाँ पे मेरे को वैद्य साहब मिले, उन्होंने इतना मेरे को अप्रिशिएट किया कि ये ऐसा ये काम पहले होने को होना था। हम आपके लिए एग्रीकल्चर रखे तो आपका है, आपके लिए हम कुछ भी तुम बोलेंगे वो मदद करने के लिए तैयार है। उनको मैंने को ऐसा आश्वासन दिया। मुझे डिफिकल्टी एक ही डिफिकल्टी आई कि उन्होंने बताया कि ये जो सर्टिफिकेट तुम्हारा जो है ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग कम्प्लीट किया करने का सर्टिफिकेट है कि आपको ये एग्रो क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर चालू करने की परमिशन नहीं है करके हम उसके ऊपर जो सब्सिडी जो आती यानी सॉइल टेस्टिंग के ऊपर और बायो पेस्टिसाइड के ऊपर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आपको दे नहीं सकते जब तक के ये जो परमिशन है, परमिशन का लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर आपके पास में होगा तो हम आपको सब्सिडी दे सकते हैं, अदरवाइज हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, ऐसा मैं उनको बोला। फ्यूचर प्लान मेरे को अगर लोन मंजूर हो गया तो मेरे को मट्टी, पानी और पेट्रोल एनालिसिस के लेबोरेटरी डालने की है। मेरा जो इसका जो है प्रोडक्शन, जो वो प्रोडक्शन भी मेरे को बढ़ाने का है। जो यप्टू का जो हम प्लॉट दे रहे हैं, यप्टू बोले तो घर का ही कपास का बीज, घर की खत और घर का ही ये सब ज़्यादा में ज़्यादा काश्तकारों को बता के वो कैसा यानी उसका खर्चा कम होगा, उसके वजह से उसके भलाई वो कैसी होंगी, ऐसा सोच रहे। अगर मेरे ऐसा लग रहा कि जो कुछ भगवान अभी कर रहा मेरे हाथ से कुछ तो भी अच्छा करने का है तो मेरे को भगवान उसमें जो तारीख इसमें यश दे रहा आगे भी देगा, ऐसा मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता। नमस्कार। यशस्वी एग्री बिजनेस विद्यार्थी के नाते आपका स्वागत करते हैं, आपको थोड़ा जानकारी देता अच्छा हो जाएगा। सर, मैं अनिल मुखरे, मैं नेटिव पुसद से हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर नागपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने कृष्णा वैली एडवांस एग्रीकल्चर फाउंडेशन सांगली, यहाँ एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस ट्रेनिंग कम्प्लीट किया है। नहीं, आपके एग्री बिजनेस जो कोर्स है इसके बारे में कैसा तुम लिया कृष्णा वैली में, कृष्णा वैली एडवांस में कैसे आए तुम? सर, मैंने फेब्रुआरी में इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो ऐड आई थी उसका फॉर्म भर के मैनेज हैदराबाद को सेंड किया था। अकॉर्डिंगली मुझे उसका कॉल आया और फिर सांगली से मुझे उसका कॉल आया था कि 10 जुलाई से ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, और फिर मैं सांगली जाके वो कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग जो है, और ये जो कोर्स हो गया अपना 2 महीने, आपने बताया है 2 महीने जो कोर्स हुआ, वो कोर्स के बारे में आपको क्या मिला, आपकी शिक्षा में क्या इंस्पायरेशन मिल गया आपको? सर, इस कोर्स का जो जैसे जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को उसके कॉलेज के ट्रेनिंग एजुकेशन में नहीं मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ऐड किया है कि हाउ टू रन योर बिजनेस। तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो हमें मिला है तो उसके कारण हमारे फोरसाइट न्यू बड़ी है, हमें एक विजन मिला है, एंड आई कुड से आई ऑल्सो गॉट अ मिशन फॉर माई फ्यूचर लाइफ। क्या कोर्स होने के बाद क्या आपने इसका कुछ किया क्या नहीं अभी तक? क्या कोर्स 10 अगस्त हो गया, उसके बाद आपने क्या किया अभी तक? सर, 10 अगस्त को ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं अपने नागपुर जब गया तो मैंने देखा कि मेरे जो एग्रीकल्चर दोस्त है अमरावती से, अकोला से, जहाँ कॉलेजेस है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, उनको इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी। और फिर मैं जब अपने नेटिव प्लेस गया पुसद तो मैं अपने डैड के साथ इस बारे में डिस्कशन किया तो मैंने देखा कि पहले से ही हमारा सब लैंड मॉर्गेज है एंड आई कांट बोरो द लोन्स फ्रॉम बैंक, और इसी कारण आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम। सो फिर मैं जब डिप्रेस था तो दैट टाइम आई हैड बीन अ कॉल फ्रॉम माई एसोसिएट डीन ऑफ कॉलेज डॉक्टर सी एस चौधरी, और फिर मैं नागपुर में गया और जब उनसे बात हुई तो फिर हमने एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन फोरम्स वहाँ स्टार्ट किया विच वी नेम एज कृषि सेवा मंच। इसमें जो डायरेक्टर्स हैं
उसमें मैं भी एक ऐसा डायरेक्टर हूँ और बाकी जो डायरेक्टर्स है उसमें एसोसिएट डीन ऑफ आवर कॉलेज एंड एचओडीज एक्स एचओडीज फ्रॉम आवर कॉलेज और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारा मेन मोटो इस कृषि सेवा मंच जो है, तो हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, रिसोर्स पर्सन्स और फार्मर्स को यहाँ ज्वाइन किया जाए और उसके साथ जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं वो हम रूट लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो अभी मंच किया हमने और किसान के बारे में अभी कुछ सर्विस शुरू किया है नहीं आपने? सर एक्चुअली ये मंच जो स्टार्ट हुआ है वो बाय 15th ऑफ अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम इस मंच को डेवलप करने में लगे हैं, रिसोर्स पर्सन कलेक्ट करने में लगे हैं। तो हमारा जो एम है वो एम है कि 100 रिसोर्स पर्सन एंड 1000 ग्रेजुएट्स वी हैव टू बी ब्रिंग इन अंडर वन रूफ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कम से कम 100 फार्मर्स को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करे। इसके कारण हमारे फोरम के अंदर वी कैन प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू अबाउट 1 लाख फार्मर्स। अच्छा अच्छा क्या आपने और जो इंस्टीट्यूशन है कृष्णा वैली एडवांस एग्री फाउंडेशन और मैनेज ये सब मिलकर आपको इस कार्यक्रम में जरूर सहायता करेंगे और ये एग्रीक्लिनिक्स एग्री बिजनेस कोर्स आपने जो एक्सपेंशन में जो बताया है ये रियली अच्छा किया आपने और इसके लिए निश्चित मैनेज आपके पीछे खड़ी है ना। मैं अभी आज के लिए आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद आपने जो क्षेत्र ये किया है। सर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर सर और मैनेज के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं डॉक्टर चंद्रशेखर उनसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कोर्स एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए स्टार्ट किया है।